कमाल के लोग हैं यार। ब्यूटीफुल, मैं तो इसका नाम रख दूंगा ठंडी सड़क, क्योंकि यहाँ धूप तो सिर्फ दिन के समय ही दिखती है। ये मेरे लिए ठंडी सड़क है क्योंकि यहाँ इतनी ठंडा के पूछिए मत, रोड की नमी देख के आपको पता लग रहा होगा। ये देखें आप, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, लेकिन साल के पेड़ ही नहीं है यहाँ पर, अलग अलग तरह के पेड़ भी हैं। सैन दिख रहा है, रोहिणी का पेड़ दिख रहा है, और भी पेड़ हैं जिसके मुझे कुछ के तो नाम ही नहीं पता, लेकिन जो भी है अच्छा है। ओहो हो 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 हो, देखिए एक ज़बरदस्त छायादार इलाके के बाद एक अच्छी सी धूप और लैंडस्लाइड। कमाल के लोग हैं यार, इतनी तेज थोड़ी चलाई जाती है, ऊपर से जंगल ऊपर से मोड़, मतलब हॉर्न दे दिया तो मतलब गाड़ी नहीं हल्की करनी है इनको। कमाल के लोग हैं यार, अभी ये पीछे से ठोक देते, एक तो रोड नहीं रहा, संभल के नहीं चला रहे, अब आया पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है, इंसान डिस्टर्ब हो जाता है और वाइल्ड लाइफ को क्या ही होगा। तो अभी जो है ढाल आ चुका है, आप देख सकते हैं जबरदस्त नज़ारा यहाँ से देखते हो, चलो कुछ क्या पता दिख जाए। भाई क्या खतरनाक इलाका लगता है, सबसे यार ठंडा इलाका है ये जो है, दो पहाड़ी जहाँ मिल रही हैं, है ना, वो यहाँ छाया हो चुकी है। अब धूप ऊपर पहुंच गई, हम छाया के इलाके में हैं। देख सकते हैं आप, ऊंची ऊंची घास है यहाँ पर, ये बैंड बहुत ख़तरनाक हैं, जितना देखने में अच्छे लग रहे हैं वो तो हम जानते हैं कि हमने फेस करा है यहाँ पर, क्या फेस करा था, टस्कर को। जिसने पॉपुलर वीडियो नहीं देखी हमारी, जाएं और देखें, सब सिचुएशन पता लगेगी कि क्या हुआ था हमारे साथ। फिलहाल हाथी की बात कर रहा हूँ मैं, हाथियों का तो इलाका है ही, ये वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, एलिफेंट 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 है, जल्दी बना, जल्दी जल्दी निकाल, अभी दिख रहा है भैया। Thank you.
आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा पेड़ था साल का, ये भी अच्छा खासा बड़ा पेड़ है। यहाँ से जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जंगल शुरू हो जाता है, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ सब कुछ देखने को मिल जाता है। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें चलते रहना है चुपचाप और देखते रहना है सड़क पर कि क्या चीज़ क्रॉस कर रही है। यही वाइल्ड लाइफ का आनंद है, इसी तरह आप वाइल्ड लाइफ को निहार सकते हैं। और इस अच्छी की बात है, वाइल्ड लाइफ आपके लिए सड़क पार करके दिखा रही है, बस हमें क्या करना है, हमें रुकना है, उचित दूरी बनानी है, रुकना है और उसको जाते हुए। थोड़ा सा ना पेड़ भी टूटे हुए हैं। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ यार, ये हाँ एलिफेंट कॉरिडोर है ना यहाँ पे, मैं बताता हूँ कहाँ गया, मतलब गुजरते हैं एक जगह थोड़ी है, हाँ गुजरते हैं यहाँ से हाथी, तो जो भी है ज़बरदस्त है, ख़तरनाक है ये जगह। अब देखो अभी तक धूप थी, ये देखो ये तोड़ लगा, देखो हाथी ने तोड़ा ये, हाँ ये हाथी ने ही तोड़ा है। तो हो सकता है वो जो टस्कर था ना जो भी पीछे मिला, वो यहीं से गया हो नदी की ओर, हाँ वहीं घूम रहा है वो, हाँ वहीं घूम रहा है। अक्सर कई बार मिल चुके हैं वहाँ पे हम अलग अलग ना हाथी ना। बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आपने अभी हाथी देखा, टस्कर एलिफेंट, लगभग डेढ़ दांत थे क्या था उसका पता नहीं चला ना कुछ ना, हाँ एक उसका दांत बड़ा था या फिर हो सकता है हमारा एंगल ऐसा बन रहा था तो लग रहा हो, हाँ मतलब दांत तो तेज चला थे, तेज तो ऊपर का लग रहा था एज में। वाइट है तो यार, हाँ वाइट तो होते ही हैं प्योर। और क्रॉस कितना नदी को क्रॉस करते हुए कितना अच्छा लगा हो देखने में, हाथ हिल रहा था क्योंकि मैंने ना आधे झुक के बनाया है। अच्छा, मानसून में ज़्यादातर पत्तियाँ हर जगह से आ रही थी तो ब्लर हो जा रहा था, तो हल्का झुक के बनाया तो पीठ में दर्द की वजह से काफ़ी हाथ हिला है। हाँ ये तो है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है वाइल्ड लाइफ देखने को। अब हमें ये नहीं पता कि कितने लोग देखते हैं कितने लोग वाइल्ड लाइफ को नहीं देखते, हमारे थंबनेल पर क्लिक किस लिए करते हैं लोग, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब सोच मैं बता दूं आपको, लाखों लोग हैं करोड़ों लोग हैं, अलग अलग सोच से क्लिक करता है इंसान थंबनेल पर, तो फिलहाल लाखों ने तो नहीं करा अभी तक, हज़ारों ने करा है, वही हज़ारों यही हज़ारों एक दिन लाखों में होंगे, एक दिन करोड़ों में होंगे, बस आप लोगों का प्यार आप लोगों का साथ बने रहेगा। तो बस वीडियो को देखना है रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को, मज़ा आ रहा है। देखिए एक्साइटमेंट तो हमेशा रखना पड़ता है जंगल में, और आंखें खुली कान और नाक दोनों एक्टिव रहना चाहिए आंखें देखने के लिए कि क्या हलचल हो रही है जंगल में, किस मोड़ पर क्या मिल जाए कुछ पता नहीं है। तभी तो ये सस्पेंस वाला एरिया देखिए, टहनियाँ टूटी हुई है, हाथी यहाँ से गुजरा है कोई, अभी या हाल ही में जो भी है गुजरा है यहाँ से पक्का। और आंखों की बात मैंने आपको बताई कि देखने के लिए था, जैसा मैंने देखा यही हलचल होती है, सब पहचानना पड़ता है, जंगल बहुत कुछ बताता है बहुत कुछ बयां करता है, तो जंगल को समझ के चलना है। जितना मैं समझ के चलता हूँ उतना बेनिफिट में रहता हूँ, और दोनों तरफ देखते हुए चलें। और आंखों का फंक्शन आपको बता दिया, कान जो हैं बिल्कुल खुले रखें, अभी तो फ़िलहाल झींगरों की आवाज़ आ रही है, कभी भी कॉलिंग या किसी भी वाइल्ड लाइफ की आवाज़ सुनने को मिल सकती है, कभी टाइगर कॉल, कभी अलार्म कॉल्स, डियर के साउंड्स, रेड जंगल फाउल की आवाज़, पिकॉक्स की आवाज़, इन सबको समझना है सुनना है और तब आगे बढ़ना है। देखिए अभी पीछे बिल्कुल अंधेरा लग रहा था और यहाँ देखें आप सूरज से कितना उजाला लग रहा है, वाओ ब्यूटीफुल।
ये एरिया बहुत ज़बरदस्त और ख़तरनाक है। और अब बारी आती है नाक की। नाक का क्या फंक्शन है? सूंघने का। और सूंघेंगे क्या आप? किसी भी प्रकार की अनोखी गंध को या स्मेल कह ले। जैसे कि हमने हॉर्न की आवाज़ सुनी तो हमें पता लगा कि हाँ मोड़ पर कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन यहाँ आँखों का और कानों का इस्तेमाल करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी बार हाथी देखे जा चुके हैं। देखिए पेड़ गिरा हुआ है छोटे, यहाँ हाथी आ चुका है। मैं बता तो रहा हूँ, हमने तो यहाँ तक यहाँ से चढ़ते हुए यहाँ की ओर जाते हुए देखा है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे रुकना पड़ जाता है हाथियों के लिए। और एक बार तो लेपर्ड यहाँ कहीं देखा गया था, बता रहे हैं। जंगल है, कहीं भी कुछ भी मिल जाता है। और अच्छा लगता है किससे सुनना, लोग बताते हैं रास्ते में जाते हुए कि हमें तो वहाँ मिला, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ऐसे ही कुछ इससे ऐसे ही कुछ किस्से हैं जो मैं आपको सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। अगर पसंद आती है वो वीडियोस तो कमेंट करके बताया करें, अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़कर और थोड़ा हौसला बढ़ता है। और कुछ जो कमी होती है वो भी ज़रूर बताया करें। देख रहे हैं बैंड, किसी भी बैंड पर कुछ भी मिल जाएगा या कुछ भी क्रॉस होके चला जाएगा। यही है असली एडवेंचर जंगल का। मज़ा आ रहा है और ऐसे ही मज़े लेते रहें और जंगल को देखते रहें। आप सड़क पर चल रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट चलें। वाओ क्या सनसेट है, ब्यूटीफुल। मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। बहुत ख़तरनाक इलाका है, देखिए झाड़ी कितनी नज़दीक है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त झाड़ियाँ हैं। और अभी जो वीडियो बन रही है ये मीडिया मोड से है, जिसमें हमने अपना 3.5 mm का शायद जैक बोलते हैं वो लगा दिया है। तो अब आवाज़ अच्छी आ रही होगी आपको। साथ ही साथ माइक जो होता है उसके ऊपर जो है डेड कैट या कह लें विंड कैंसिलेशन के लिए जो फर आता है वो लगा दिया है। तो वो तो अब एडिटिंग के टाइम पर ही पता लगेगा कैसी आवाज़ है। बाकी आप लोग बताएंगे, अपना फीडबैक कमेंट करके देंगे। और हम बीच बीच में पोस्ट डालते रहते हैं तो उसको अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। आप लोगों के लिए ही है जो कुछ जंगल के हिस्से हैं या कुछ वीडियो से जुड़ी पोस्ट हम डाल देते हैं, उस पर रिप्लाई दें कैसा लगता है आपको, क्योंकि हम कुछ तस्वीरें आप लोगों को शेयर करते हैं। जंगल बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर जंगल है। सीधे हाथ पर सनसेट होता होगा, बहुत ही आला ये जगह है। और बीच बीच में हेलमेट थोड़ा सा नीचे की ओर आ जा रहा है, हल्का सा बड़ा होगा शायद हेलमेट या लूज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया भी ख़तरनाक है, यहाँ कभी कभी एनकाउंटर हो जाता है वाइल्ड लाइफ के साथ। तो देखते हुए चलेंगे हम, कुछ भी आगे से गुजर जाए क्या पता। और वीडियो को रखेंगे कंटिन्यू। देखिए सामने से कार आती हुई, पीछे से कार आ रही है, वो भी हॉर्न देने में लगी हुई है लगातार। जाने की बहुत जल्दी है। अरे बाप रे, यह है लेपर्ड का इलाका और यहाँ लग रहा है इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है। ओ माय गॉड, देख सकते हैं आप। खैर दो लोग हैं तो बढ़िया है। जाइए सर, पहले आप जाइए। तेज चलने में ही दिक्कत है। कभी कभी बड़ी खुशी होती है हल्के चलने में, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्यों सेफ्टी रहती है ना? हाँ ये बैंड भी ज़बरदस्त है यार,
अचानक से वाइल्ड लाइफ का एनकाउंटर हो जाता है यहाँ भी।